कई लोग एनिमे और मूवीज इसीलिए देखते हैं ताकि वो रियलिटी से एस्केप कर सके, इस फिक्शन की दुनिया में कुछ खुशी ढूंढ सके जो हमें सोचने और रोने पे मजबूर कर देती है। कई बार वो मूवीज हमें वो रियलिटी दिखा देती है जिससे हम अभी तक अनजान थे। तो आज हम बात करने वाले हैं एनिमे की टॉप 10 सैडेस्ट मूवीज के बारे में, जो आपको अपनी लाइफ में एक बार तो देखनी ही चाहिए। और मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, जो मूवी नंबर 1 पे है वो आप बिना रोए देख ही नहीं सकते। नंबर 10, द गार्डन ऑफ वर्ड्स। द गार्डन ऑफ वर्ड्स मूवी एक 15 साल के लड़के के ऊपर है जिसका सपना है कि उसे जूते बनाने हैं। वो हर बारिश में अपना स्कूल स्किप करके एक गार्डन में जाता था ड्रॉ करने के लिए, और वहीं उसकी मुलाकात होती है एक मिस्टीरियस वुमन से। और ऐसे ही वो हर बारिश में एक दूसरे से मिलते थे। तकाओ को उसके साथ कुछ अलग महसूस होता था जैसा उसने आज तक फील नहीं करा। अब ये बात वो खुद नहीं जानता था कि ये प्यार है या फिर कुछ और, पर दोनों के एज गैप को देखकर उसकी कभी हिम्मत ही नहीं होती कन्फेस करने की, क्योंकि वो 15 साल का था और वो 27 साल की। उसे पता था कि सोसाइटी कभी उन दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो क्या तकाओ कभी उसे कन्फेस कर पाएगा और क्या वो उसका ऑफर एक्सेप्ट करेगी, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और अगर हम स्टोरी को हटा भी दे तो इसके एनिमेशन ही मजबूर कर देगी आपको ये मूवी देखने के लिए। नंबर 9, एंथम ऑफ द हार्ट। ये स्टोरी जून के ऊपर है, जो एक ऐसी लड़की है जिसे बातें करना बहुत ज्यादा पसंद है, और उन्हीं बातों बातों में वो अपनी मॉम को ये बता देती है कि उसने डैड को किसी और लड़की के साथ देखा, जिसके बाद उनके मॉम और डैड का डिवोर्स हो जाता है। और सब उसे ऐसा फील करवाते हैं कि ये सब गलती उसी की है। तो एक फेरी एग जो कि उसकी खुद की इमेजिनेशन थी, वो उसे ये कर्ज दे देता है कि अब वो कभी बोल नहीं पाएगी, क्योंकि वो अपनी बातों से लोगों को हर्ट करती है। और होता भी ऐसा है, ये उसके लिए एक ट्रॉमा बन जाता है और वो बोलना ही बंद कर देती है। पर हाई स्कूल में उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी फीलिंग्स गाने के जरिए एक्सप्रेस कर सकती है, और इसमें कई हार्ट टचिंग सॉन्ग्स भी हैं। नंबर 8, होतारू भी नोमोरी। ये कहानी एक 6 साल की लड़की के ऊपर है जिसका नाम है होतारू। वो एक दिन जंगल में खो जाती है और वो वहाँ मिलती है गिन से। दरअसल गिन के पेरेंट्स ने उसे बचपन में ही जंगल में छोड़ दिया था, और उसके ऊपर एक श्राप है कि अगर किसी भी इंसान ने उसे छुआ तो वो मर जाएगा। और होतारू एक पहली ऐसी इंसान थी जिससे वो मिला। धीरे धीरे होतारू बड़ी हो जाती है, समय के साथ साथ उसे होतारू से प्यार हो जाता है, और उसका एक ड्रीम था कि वो उसे हक कर सके। पर ये बात वो भी जानता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो मारा जाएगा। नंबर 7, डोरेमोन स्टैंड बाय मी। हालांकि मुझे पता है कि ये मूवी तो आप सबने डेफिनेटली देखी ही होगी। ये मूवी डोरेमोन के सारे एपिसोड्स को कंपाइल करके बनाई गई है, और अगर आपको इसकी एंडिंग देख के रोना नहीं आया तो मुझे नहीं लगता कि आप एक डोरेमोन फैन है। नंबर 6, परफेक्ट ब्लू। मैंने अभी तक आपको जितनी मूवीज भी बताई है ये उन सबसे बिल्कुल ही अलग है, कुछ ज्यादा ही डार्क। ये कहानी मीमा के ऊपर है जो कि एक पॉप आइडल है, और वो डिसाइड करती है सिंगिंग छोड़ने की क्योंकि उसे एक एक्ट्रेस बनना था। इसके वजह से उसे कई स्टॉकर्स का सामना करना पड़ता है, और इसमें फिल्म इंडस्ट्रीज की डार्क रियलिटी भी दिखाई गई है कि किस तरह एक इनोसेंट लड़की को ऐसे सीन्स करने पे मजबूर कर दिया जाता है जो बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी के अपोजिट है, और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो फिल्म इंडस्ट्री में कोई उसे काम नहीं देगा। और इसके बाद उसका खुद का इनोसेंट वर्जन उसे हॉन्ट करने लग जाता है कि किस तरह बस उसने फेम के लिए अपने कैरेक्टर को ही बेच दिया, और वो इतनी डिप्रेस्ड हो जाती है कि उसे रियलिटी और फैंटेसी में फर्क ही नहीं पता चलता। और ये एक एक करके उन लोगों को जान से मार देती है जिन्होंने इसे इस दलदल में धकेला था, और इसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि ये सब काम यही कर रही है। और इसकी एंडिंग बहुत मिस्टीरियस है क्योंकि एंड में हम खुद ही नहीं समझ पाते कि रियलिटी क्या है और फैंटेसी क्या। नंबर 5, योर नेम। एक दिन अचानक से ही ताकी और मित्साह के शरीर चेंज हो जाते हैं, तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय अपनी लाइफ जीने के। तो ऐसा लगातार और बहुत बार होता है। तो ताकी डिसाइड करता है कि वो मित्साह से मिलेगा, पर उसे उसके गांव जाके पता चलता है कि वो गांव तो 3 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है एक मीटियोराइट की वजह से। पर ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उन दोनों का शरीर चेंज हुआ था। तो क्या मित्साह मर चुकी है, और क्या वो उससे फिर से कभी मिल पाएगा। नंबर 4, आई वॉन्ट टू ईट योर पैंक्रियाज। साकुरा को एक बीमारी होती है जिसके वजह से वो 1 साल के अंदर ही मर जाएगी, तो वो सब चीजें करने लग जाती है जो उसे अपनी लाइफ में करनी थी। तो वो इसके लिए चुनती है हारुकी को, क्योंकि साकुरा अपने दोस्तों को नहीं बताना चाहती थी कि वो 1 साल बाद मरने वाली है, वरना लोग उसे अलग से ट्रीट करते। पर हारुकी उसके लिए एकदम अनजान था, और उसके साथ रहते रहते दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। आपको पूरी मूवी देखते समय यही लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो 1 साल बाद मर जाएगी। पर इसमें कुछ ऐसा होता है जो शायद आपको ट्रॉमेटाइज कर दे, क्योंकि उस ट्रॉमा से मैं तो अभी तक बाहर नहीं आया। और इस मूवी का एक और फन फैक्ट, सकुरा जिसका मतलब होता है चेरी ब्लॉसम, और हारुकी जिसका मतलब होता है स्प्रिंग, तो इनके नाम ही बताते हैं कि ये एक दूसरे के लिए बने थे। नंबर 3, 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ये मूवी रियलिटी के सबसे क्लोज है। अगर मैं इसे एक एनिमे मूवी ना बोल के एक एवरेज ह्यूमन की बायोग्राफी बोलूं तो वो ज्यादा सही रहेगा। ये कहानी तकाकी के ऊपर है। बचपन में दोनों ही तकाकी और अकारी
इतने अच्छे दोस्त थे कि लोग तो उनका मजाक भी उड़ाते थे कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और वो एक दूसरे को पसंद भी करते थे। पर तकाकी को फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो शहर छोड़ के जाना पड़ता है, पर वो वादा करते हैं कि उनकी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। शुरू में तो वो एक दूसरे को बहुत लेटर्स लिखा करते थे, पर धीरे धीरे वो लेटर लिखना भी बंद कर देते हैं और मिलना भी। ये बिल्कुल उसी की तरह है कि कैसे हम बचपन में अपने दोस्तों से बात करा करते थे कि हम कभी अलग नहीं होंगे और स्कूल खत्म होने के बाद भी हम मिला करेंगे, पर ऐसा कभी नहीं होता। ये कहानी तीन पार्ट्स में बटी हुई है और तीनों पार्ट में अलग अलग लड़कियां होती हैं, पर तकाकी अभी भी उस चीज से मूव ऑन नहीं कर पाया था और उसके वजह से वो उस लड़की को मौका नहीं देता जो उस समय पे उससे प्यार करती थी। ये मूवी हमें सिखाती है कि किस तरह हमें लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए और किस तरह चीजें हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी वो हुआ करती थी। समय के साथ सब बदल जाता है। नंबर टू, अ साइलेंट वॉइस। सोया एक बुली बच्चा था जिसे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसे मजा आता था दूसरों को परेशान करने में। एक दिन उनकी क्लास में एक लड़की का ट्रांसफर होता है जो ना तो सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी, और सोया खुश था कि उसे एक और विक्टिम मिल गया। सोको उससे दोस्ती करने की बहुत कोशिश करती है पर वो हर बार उसे बुली ही करता था और एक दिन वो सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर देता है। पता नहीं कैसे पर उस दिन उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे पता होता है कि जो उसने करा है वो बिल्कुल सही नहीं है, तो वो ठान लेता है कि वो अगले दिन उससे माफी मांगेगा। पर वो स्कूल छोड़ चुकी थी बस सोया की वजह से, और ये सुनने के बाद वो पूरा अंदर से टूट चुका था। वो अपने आप को कभी माफ कर ही नहीं पाता और कई बार तो उसने सुसाइड करने की भी कोशिश करी थी क्योंकि उसने एक लड़की को इतना मजबूर कर दिया कि उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। वो कभी उस गिल्ट से बाहर आ ही नहीं पाता, वो गिल्ट उसे अंदर से खाया जा रहा था। पर बहुत सालों बाद उसे वही लड़की फिर से मिलती है और वो अपनी पूरी कोशिश कर देता है उसकी लाइफ बेटर बनाने के लिए। तो मैं तो कहूंगा आपको ये मूवी एक बार तो देखनी ही चाहिए। नंबर वन, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। मैंने पिछली सभी मूवीज में आपको बोला था कि ये मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए, पर इसमें मैं मना कर रहा हूँ। ये मूवी आप तभी देखना अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीजों पे इमोशनल हो जाते हैं तो ये मूवी आपके लिए बिल्कुल नहीं है। और इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग है, क्योंकि ये मूवी आपको एंड में रुला ही देगी। ये कहानी दो भाई बहनों के ऊपर है जिनकी कंट्री में वॉर चल रही है और उन्हीं की आंखों के सामने उनके लोग और परिवार मर रहे हैं। तो शुरू में तो वो अपने आंट के पास रहते हैं पर उनके तानों के वजह से उन्हें वहां से जाना पड़ता है और दोनों साथ में ही अपनी लाइफ जीने लग जाते हैं। अब वो दोनों वो सब कुछ कर सकते थे जो उनकी आंट उन्हें करने से मना करती थी, जैसे खेलना, चिल्लाना या फिर ज्यादा खाना। शुरू में तो सब कुछ बहुत स्मूथ चलता है पर बाद में लाइफ दिखाई देती है कि वो कितनी क्रूल हो सकती है, और हम इसी उम्मीद से मूवी आगे देखते हैं कि कुछ तो अच्छा होगा ही, पर हालात और बुरे होते जाते हैं और हमें बता देते हैं कि लोग और लाइफ कितनी क्रूल हो सकती है। ये एकदम रैंडम लिस्ट थी, ऐसा नहीं है कि जो नंबर वन पे है वो सबसे अच्छी है और जो नंबर टेन पे है वो सबसे बेकार। ये सभी मूवी इक्वली अच्छी है, और अगर आपने इनमें से कोई भी मूवी देख रखी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ये भी कि आपको वो क्यों पसंद है।